और पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1,000 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए। इससे करीब 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ होगा। यह हस्तांतरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया, जिसमें 80,000 SHG को प्रति SHG 1.10 लाख रुपए का सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त होगा और 60,000 SHG को प्रति SHG 15,000 रुपए की रिवॉल्विंग निधि प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4,000 रुपए वजीफा भी हस्तांतरित किया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने 202 पूरक पोषाहार निर्माण इकाइयों की आधारशिला रखी। इन इकाइयों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और इसके एक यूनिट के निर्माण में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये इकाइयां प्रदेश के 600 प्रखंडों में समेकित बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषाहार की आपूर्ति करेंगी। अरे वसीम, ये सब क्या हो रहा है? खवातीन को अख्तियार बनाने के लिए वजीर आजम के किस मंसूबे की बात की जा रही है? मालूम नहीं नूर, लेकिन किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से फवायद के बारे में बात की गई है, जिसके जरिए देही खवातीन को रोजी रोटी के लिए मदद फराहम की जाएगी। अरे भैया, वजीर आजम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। जी भैया, मुल्क के हर मर्द के साथ साथ खवातीन को आगे बढ़ाने के लिए भी हर काम किया जा रहा है। जी भैया, हुकूमत ने खवातीन के लिए कारोबार करने और खुद को काबिल बनाने के लिए बहुत सी स्कीमें भी बनाई है। हाँ हाँ, और जब से हुकूमत ने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, उसका असर और भी ज्यादा नजर आ रहा है। हाँ भैया, देखो ना, अब खवातीन के कारोबार की तस्वीर और उनकी कामयाबी की कहानियाँ भी सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। अरे वसीम, वो देखो, समसाद चाचा और मुजस्सम चाचा हुकूमत की इसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ नूर, चलो उनसे इस बारे में पूछते हैं ना। हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों कैसे हैं? खुश हैं? हम दोनों ठीक हैं। आप कैसे हैं चाचा? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। चाचा, आज टीवी पर हुकूमत की तरफ से खवातीन के लिए किस स्कीम की बात हो रही थी? हाँ चाचा, हुकूमत ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए किस तरह के इकदामात किए हैं, हमें बताए ना। अरे तुम दोनों इतने गौर से सुन रहे थे क्या? हाँ चाचा। ये स्कीम सिर्फ हमारे मुल्क के खवातीन के लिए है ना? हाँ हाँ, बताता हूँ। दर हकीकत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने पर जोर दिया है। इससे वाबस्ता देही खवातीन की आमदनी बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की गई है। इस स्कीम का मकसद देही खवातीन को हर साल कम से कम 1 लाख रुपए कमाने के काबिल बनाना है, समझे बच्चों? अरे वाह, हुकूमत ने गांव के खवातीन के लिए कितनी अच्छी स्कीम शुरू की है। हाँ बच्चे, मालूम है इस मकसद को हासिल करने के लिए वजारत ने अगले 2 सालों में 2.5 करोड़ देही SHG खवातीन को रोजी रोटी सपोर्ट फराहम करने का भी मंसूबा बनाया है, जिसके लिए मुल्क भर में मौजूद मुख्तलिफ मॉडल्स की बुनियाद पर रियासती हुकूमतों को एक तफसीली एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। चाचा, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मुकम्मल मालूमात तफसील से बताए ना। हाँ हाँ, बताता हूँ, गौर से सुनो। सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ इस तरह के आमदनी वाले ग्रुप के लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो उन छोटे और रजाकार ग्रुपों से है जो किसी खास मकसद की तकमील और बाहमी मदद के लिए बनाई गई है। ये गिरोह अपनी मदद आप करते हैं,
जैसा कि नाम से पता चलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप उस किस्म के ग्रुप में 10 से 20 मेंबरान होते हैं जो अपनी मर्जी से उसमें शामिल हो सकते हैं। उसमें मुंतखब होने वाले सभी मेंबरान का ताल्लुक एक ही इनकम ग्रुप से है। ख्वातीन को ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल किया जाता है। इसमें सभी मेंबरान की तरफ से हर माह एक मसावी रकम मुकर्रर की जाती है जो हर माह करीबी बैंक में जमा कराई जाती है, जहां उन्होंने ग्रुप के नाम पर सेविंग अकाउंट खोला है। उस सेविंग अकाउंट का ऑपरेशन सिर्फ ग्रुप के ओहदेदारान कर सकते हैं। ग्रुप के किसी भी 3 मेंबरान को ओहदेदार मुकर्रर किया जा सकता है जो ग्रुप चलाता है और किसी भी लेन देन की तफसीलात रखता है। बैंक से कम शरह सूद पर कर्ज भी लिया जा सकता है। अब दोनों समझ गए? हाँ चाचा, बहुत अच्छी तरह से समझ गया। चलो अब बहुत देर हो चुकी है, मैं चलता हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है बच्चों? हाँ चाचा। अरे नूर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ वसीम, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ नूर। जानती हो, मेरी वालिद ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में भी बताया था। हाँ वसीम, कल सायमा चाची भी हमारे घर आई थी और इस प्लान के बारे में बात कर रही थी। अच्छा नूर, सायमा चाची ने क्या बताया? सायमा चाची ने बताया कि इस स्कीम के साथ साथ हुकूमत के जरिए NRLM और SRLM मिशन की भी शुरुआत की गई है। हाँ नूर, मेरे वालिद ने भी बताया था कि किस तरह वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम से वाबस्ता खवातीन के साथ बातचीत की है। अच्छा, मुझे भी बताओ ना। रजाकार खवातीन के साथ वजीर आजम की बातचीत। जुलाई 2018 में मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने एप के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता 1 करोड़ से ज्यादा खवातीन से बातचीत की। बातचीत के दौरान वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुल्क में ज़राअत और डेयरी के शोबे की तरक्की में खवातीन का खुसूसी तआवुन रहा है। उनके बगैर इतनी तरक्की का तसव्वुर भी नहीं की जा सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2011 से 2014 के दौरान मुल्क में 50 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे जो 2018 में बढ़कर 20 लाख हो गए, जिसमें कुल 2.25 से जायद खानदानों को शामिल किया गया है। कोविड-19 महामारी में यौमे NRLM SHG का किरदार। कोविड-19 महामारी के दौरान जहां लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी मुलाजिमतें खो दी, ऐसे वक्त में हिंदुस्तान में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से बहुत से काबिले सताइश काम किया गया। कोविड-19 के दौरान सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट ग्रुप्स ने बड़ा किरदार अदा किया, जहां लाखों लोगों ने शहरों से हिजरत की, लोग बेरोजगार हो गए। वही SHG ग्रुप ने कोरोना से लड़ने के लिए मास्क बनाने, सैनिटाइजर की तकसीम और दीगर कामों में हिस्सा लिया जो कोविड-19 के दौरान कारामद साबित हुए। कोरोना के दौर में हिंदुस्तान में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तआवुन को दुनिया की मुख्तलिफ तंजीमों ने भी सराहा है। इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी हमारे मुल्क के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस तरह का काम करते रहेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप गरीब लोगों का एक ग्रुप है जो आपस में मिलते जुलते माइक्रो बिजनेस और इंटरप्राइजर्स चला रहे हैं, जो अपनी आमदनी से कुछ आसान बचत करते हैं, डिपॉजिट्स, उस छोटी सी बचत को ग्रुप के इज्तमाई फंड में शामिल करते हैं और फिर ग्रुप के मेंबरान को उनकी जरूरियात के मुताबिक ग्रुप की शराइत और मुकर्ररा सूद मुद्दत के मुताबिक दिया जाता है। यानी ग्रुप के मेंबरान हर माह अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा ग्रुप में जमा कराते हैं। जमा शुदा रकम में से जरूरतमंद मेंबर को ग्रुप की शराइत पर कर्ज दिया जाता है।
वसीम, ये ग्रुप लोगों को काम करने के लिए मुकम्मल आज़ादी देता है। हाँ नूर, लेकिन इसके लिए कई किस्म की शरायत भी आयद की गई है। किस किस्म की शरायत? रुको, मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप की शरायतों ज़ाब्ता। ग्रुप को कम से कम 6 माह तक फ़ाल होना चाहिए। ग्रुप के मेंबरान अपने पास मौजूद वसाइल से ग्रुप में मुसलसल माहाना बचतें जमा की है। ग्रुप के मेंबरान को उनके पास जमा की गई रकम से कर्ज दिया है। अकाउंट का मुकम्मल हिसाब किताब रखा गया है। किसी मेंबर को कर्ज दिया गया या जमा किया गया, माहाना बचत की रकम की मुकम्मल तफसीलात रजिस्टर में दर्ज की जाए। वक्तन फवक्तन हफ्तावार या माहाना इजलास मुनक्किद होते रहते हैं, जिसकी तफसीलात मीटिंग रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। ग्रुप में जमहूरी तरीके से काम करना, सभी मेंबरान की शिरकत होनी चाहिए और सबका नुक्ते नजर भी सुना जाना चाहिए। ग्रुप का मकसद एक दूसरे की मदद करना और खुद रोजगार बनाना होना चाहिए, न कि सिर्फ बैंक से कर्ज लेना। कर्ज देने के वक्त बैंक उन सभी निकात पर गहरी नजर रखता है। बैंक ऑफिसर ब्रांच मैनेजर को मुतमईन होना चाहिए कि ग्रुप का मकसद हकीकी तौर पर खुद रोजगार होना और एक दूसरे की मदद करना है। बैंक कर्ज के दरखास्त फॉर्म पर एक दर्जा बंदी की मैज है, जिसमें एक मखसूस नंबर हासिल करने के बाद ही वो कर्ज के लिए अहल होते हैं। सभी मेंबरान मुश्तरका दिलचस्पी और पसे मंजर के हामिल हो, यानी तमाम मेंबरान जो माइक्रो बिजनेस कर रहे हैं, उनका ताल्लुक उस ग्रुप में उसी कारोबार से होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर दूध को बचाना है तो सभी मेंबरान को भी उस काम से वाबस्ता होना चाहिए, और अगर सिलाई का काम करते हैं तो तमाम मेंबरान सिलाई का काम करना चाहिए। बैंक की तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप को कर्ज का मेयार उनके डिपॉजिट के लिहाज से 1.1 से 1.4 के तनासुब में हो सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अहम नकात। इस ग्रुप में इंतहाई गरीब और गरीब खवातीन या गुरबत की लकीर से नीचे खानदान की खवातीन शामिल हैं। ग्रुप में शामिल होने वाले खवातीन की उम्र 18 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस ग्रुप में शामिल खातून को NRLM SHG से शनाख्त के लिए होनी चाहिए। ग्रुप के मेंबरान हर माह कुछ रकम जमा कराती है, इसलिए उसके लिए ऐसे अराकीन का होना भी जरूरी है। जो ग्रुप मेंबरान की रजामंदी से मुकदर कम से कम रकम जमा कराने के काबिल हो, ताकि आप माहाना हिस्सा डाल सके, ऐसी खवातीन को SHG के लिए शामिल किया जाएगा, जो जरूरत पड़ने पर इज्तमाई काम करने को तैयार होंगे। ग्रुप को खातून मेंबर को वक्तन फवक्तन मुनाकिद होने वाली ग्रुप मीटिंग में शिरकत के लिए वक्त देना चाहिए। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 खवातीन मेंबरान का होना लाजमी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए गए कर्जों को बुनियादी जुमरे में रखा गया है। जब बैंक NRLM प्रोजेक्ट के तहत दिए गए कर्ज की मजीद रिपोर्ट करता है तो ये SHG को दिया गया कर्ज दिखाता है। बाकायदगी से ग्रुप मीटिंग करना और अराकीन को जमा करने के लिए हफ्तावार बजट की रकम तय करना। हफ्तावार मीटिंग के लिए वक्त का तायुन करना और उस जगह का इंतखाब करना जहां ये मुनक्किद होगी। तंजीमी और इज्तमाई काम के लिए पहल करना। ग्रुप की तरफ से इज्तमाई फैसला करना और फिर उसका नफाज।
ग्रुप के अरकान को सूत्र के बारे में बताएं। ग्रुप को चलाने के लिए तैनात अफसर। वसीम, इस स्कीम के तहत मुल्क की कई खवातीन ने अपना कारोबार शुरू किया है। हाँ नूर, मुल्क की बहुत सी खवातीन ने इस स्कीम के तहत अपना काम शुरू किया है और आज उन्हें काफी फायदा भी मिल रहा है, जिसकी कामयाबी की कहानी भी वालिद ने सुनाई थी। मुझे भी बताए ना, इस स्कीम से खवातीन को कामयाबी कैसे मिली? हाँ मैं बताता हूँ, गौर से सुनो। NRLF ग्रुप की तश्कील के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे कौन चलाएगा, यानी इसे कौन चलाएगा। इस काम को अंजाम देने के लिए ग्रुप मेंबरान में से 3 ओहदेदारों का इंतखाब किया जाता है, यह सदर, खजानची और सेक्रेटरी पर मुश्तमिल है। चेयरमैन का काम ग्रुप को चलाना है, सेक्रेटरी का काम ग्रुप के सभी सरगर्मियों का हिसाब रखना है, खजानची का काम रकम से मुतालिक लेन देन का हिसाब रखना है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से हर गांव के लिए एक NRLF सखी का इंतखाब भी किया जाता है, जिनका काम ग्रुप बनाना, इब्तदाई वक्त में गांव में बेदारी कैंप लगाना वगैरह है। पम्मी देवी जी, जिनका ताल्लुक बशना से है और रंजीतपुर में SHG के दिगर अराकीन के साथ ब्लॉक ट्रेनिंग सेंटर में उम्मीद के जरिए शुरू की गई 30 दिन की तवील तरबियत हासिल की और जेब, आचार, सॉस, चटनी, कंस्ट्रेट बनाने का हुनर हासिल किया। देही खवातीन को खुद कफील बनाने की तरबियत और उस तरह उनके तालाब से हर साल 350 से 400 किलो मछली पैदा होती है, उन्हें अपने लिए मुनाफे बख्श रोजी रोटी शुरू करने के काबिल बनाना JKRLM के प्रोग्राम का एक हिस्सा था। अपनी जिंदगी को बामकसद बनाने और अपने खानदान की कमाई बढ़ाने के लिए उसकी जोश को देखकर मिशन की हौसला अफजाई की और अप्रैल 2019 में महकमे बागबानी के साथ मिलकर लेहल में एक फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन यूनिट शुरू करने में मदद की। मिशन ने उसे कर्ज फराहम किया, CLF से 2 लाख और बागबानी महकमे से सब्सिडी हासिल करने में भी मदद की। ये एक बहुत कामयाब मंसूबा बन गया है क्योंकि खवातीन ने 2019 में 62,000 से ज्यादा की कमाई की है और दिल्ली और दिगर मकामी बाजारों के सारिस मेले में अपनी बुनाई हुई अशिया भी फरोख्त की है। ये एक इज्तमाई पहल बन गया है क्योंकि मुख्तलिफ SHG के तकरीबन 7 खवातीन ने भी इस यूनिट में मिलकर काम करने के लिए हाथ मिलाया है। यूनिट ने FSSI लाइसेंस हासिल करने का अमल भी शुरू कर दिया है। साई राम SHG के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के रुकुन चिंता देवी, जो कि जिला रियासती ब्लॉक पुणे के एक दूर उफ्तारा गांव बलियान में रहती है, मछली की फार्मिंग से रोजी कमाने वाली एक खुश फिश फार्मिंग है। एक पुरानी कहावत की तरह मछली से पैदा हुआ। काम करने पर मजबूर चिंता देवी एक ईमानदार, मेहनती और सरशार खातून है, जो हमेशा माहीगिरी में बेहतरीन कारकर्दगी का ख्वाब देखती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद से रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और बैंक लिंकेज की शक्ल में साल 2017-18 में इमदाद हासिल की। उसने ये रकम 0 से 3 हेक्टर तालाब की मछली पैदा करने में इस्तेमाल की और आज उसने सालाना आमदनी 70,000 से 80,000 तक है। उनके तआवुन से खानदान की माली हालत बेहतर हुई। तैयार होने वाली मछली मकामी और करीबी बाजारों में फरोख्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि तरबियती सहूलियात के अलावा उम्मीद ने वक्तन फवक्तन फील्ड विजिट के जरिए नकद, कानूनी और तकनीकी मालूमात की सूरत में मुख्तलिफ मदद फराहम की है। मुतवक्के का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने सभी मदद और हौसला अफजाई के लिए
जीके इरआल एलम फिश फार्मिंग मुनासिब तकनीकी मालूमात के साथ की जाए तो ये नतीजा खैज हो सकती है और बेरोजगारी का मसला किसी हद तक हल हो सकता है। उसकी कामयाबी हम सबको बताती है कि छोटी शुरुआत से ही हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। तुम जानती हो नूर, ख्वातीन की कामयाबी की कहानी सोशल मीडिया पर भी देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर? हाँ, सोशल मीडिया पर, जहाँ लोग अपनी वीडियोस शेयर कर सकते हैं और अपनी कहानी एक से ज्यादा लोगों को बगैर किसी वक्त बता सकते हैं। मुझे भी वो वीडियो दिखाए ना वसीम। हाँ रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुतासिर कुन कहानियाँ जम्मू कश्मीर में एक खातून कारोबारी की बुनियाद से उभरती है। वह किस तरह जमीनी सतह पर अपने मुआशरे को फायदा पहुँचाने के लिए चैलेंजों से ऊपर उठ रही है। मेरे ग्रुप का नाम लड़कन है, मैं गुलाब सिंहपुरा से हूँ। मैं पहले पार्टिंग थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैंने पहले ही छोड़ दी थी और काबर का काम शुरू किया। तो मैंने काबर का काम शुरू किया, घर में बैठकर काम करी, लेकिन 2014 में जब उन्हें आई थी मैं ग्रुप में जुड़ गई। ग्रुप में हमें ट्रेनिंग मिली थी कि हम अपनी काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो फिर हमने ग्रुप में मीटिंग की है कि हम यही काम करेंगे। तो फिर मैंने ग्रुप से 5 लाख का लोन लिया है, अपने बर्तन खरीदे और अपना कारोबार सेटअप किया। अब मेरे पास 15 लड़कियां उस कारोबार में काम करती है। और दूसरे दुकान पे हम बेचते हैं, वहाँ पे भी एक सेलरमैन है जो बर्तन बेचते हैं। और मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की, मैं इतनों में पढ़ती हूँ अब। और मेरा भाई नौकरी करता है, उसको 1 लाख एक सेमेस्टर का लगता है, वो भी मैं उसको देती हूँ, घर का खर्चा चलाता हूँ। अब हम अच्छे से अपना काम चलाते हैं। हम उम्मीद का बहुत शुक्र गुजार है जिसने भी हमें हौसला दिया है। अब तो जो जहाँ पे मीडिया है वो हमारे काम को देखने आ रही है कि जो काम लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियों ने शुक्रगुजार हूँ, इसने हमें बहुत हौसला दिया है कि हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। और लोन भी हमने 5 लाख का लिया है, उसका भी हम अच्छे से रिपेमेंट कर रहे हैं, अपना घर का खर्चा। 5000 दे ही SHG खवातीन को अपनी मसनूआत और मसनूआत की नुमाइश का मौका दिया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से SHG के तहत जम्मू कश्मीर में खवातीन को मजबूत करने और उनकी रहनुमाई करने के लिए JKIRALM एक पहल जिसके तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। जम्मू और कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के 48,000 SHG से जुड़ी 4 लाख ख्वातिनों के लिए घर बैठे अपना कारोबार बढ़ाने का एक नया प्रोग्राम। एक उम्मीद है जिसका नाम मिले तरबियत, बढ़ेगा काम, होगी बरकत दिन और रात, होगी बरकत दिन और रात, जब मिलेगा सरकार का साथ, साथ 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 सरकार का साथ। साथ आपकी कामयाबी में, आपके बेहतर कल के लिए। JKIRALM उम्मीद के साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट jkummeed.in पे लॉग ऑन करें। इस प्रोग्राम के तहत मुल्क भर की खवातीन ने बहुत फायदा उठाया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के दिन साल की रहने वाली रीतु वर्मा ने अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई है। रीतु कहती है कि इस स्कीम ने उसके ग्रुप को मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों से अगरबत्तियां बनाकर रोजी कमाने में मदद की। नमस्कार, मेरा नाम रीतु वर्मा है, मैं ब्लॉक दिनसाल से आई हूँ। मेरे SHG का नाम जय माता दी है। उम्मीद में मैं 2015 से जुड़ी हूँ। उम्मीद से पहले हम लोग ऐसे नॉर्मल जिंदगी जीते थे, कोई रोजगार नहीं था। उम्मीद में जुड़ने के बाद हमने इंसेंस स्टिक्स यूनिट स्टार्ट किया, जिसमें हम फूलों से बनी अगरबत्तियाँ बनाते हैं। जो मंदिर में चढ़ाए हुए फूल, पहले क्या होता था कि नदी नालों में फेंक देते थे, उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता था और हमारी श्रद्धा को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती थी।
तो फिर हम लेडीज़ ने ये इनिशिएटिव लिया, हम उन फूलों को सुखा के उनका पाउडर बना के उसकी अगरबत्तियाँ बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें कोई चारकोल भी नहीं है, इको फ्रेंडली है वो, और इससे हमारी आमदनी भी बढ़ी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उम्मीद का, जिसकी वजह से मतलब हमारी लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इनकम भी बढ़ी, उनमें कॉन्फिडेंस भी आया। इसी तरह इंजू देवी, जो रामनगर तहसील की रिहायशी है, जो इस प्रोग्राम से मुस्तफिज है, कहती है कि इस स्कीम का हिस्सा बनने के बाद उनकी आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है। वह तजवीज करती है कि दूसरी खवातीन बेहतर माश के लिए इस स्कीम से फायदा उठाएं। नमस्कार, मेरा नाम अंजू देवी है, मैं ब्लॉक रामनगर से आई हूँ। मेरे ग्रुप का नाम मार्सल बाबा है। 2016 में जो है स्कीम हमारे ब्लॉक रामनगर में आई थी, हम इसके साथ जुड़े थे। पहले जो हमारी स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इसके बाद हम जब उम्मीद हमारे गांव में आई, इसके साथ काफ़ी सारी महिला भी जुड़ी, मैं भी इसके साथ जुड़ी, इससे हमें काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ और हमने काफ़ी सारे लाइवलीहुड भी किए हुए हैं, जिससे हमारी आमदनी कम से कम पहले जहाँ 10 रुपये थी तो अभी 50 रुपये तक हो गई है, जहाँ परिवार का मतलब रहन सहन बहुत अच्छे से हो रहा है और मेरी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और मैं ये चाहती हूँ कि इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि जो महिला ग्रुप से नहीं जुड़ी है वो भी ग्रुप से जुड़े और इस मिशन का फ़ायदा उठाएँ। ये मिशन हर तरीके से उसकी मदद करने के लिए तैयार है। इसी वक्त सिंहपुर के 12 मूला के इस्मत गुर्बत से निकालने और अपने ग्रुप की 12 लड़कियों को तांबे के बर्तनों की डिजाइनिंग में कामयाब कारोबारी बनाने के लिए उम्मीद स्कीम की शुक्रगुजार हैं। बदरवाह की रिहायशी नादिया और उसके SHG के अराकीन ने छोटे पैमाने पर साबुन बनाने का यूनिट शुरू किया, जिसके जरिए उन्होंने गुर्बत की बेड़ियां तोड़ दी। अब वो न सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रही है बल्कि मकामी मसनूआत को भी फरोग दे रही है। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने हर मैदान में अपने जौहर ही नहीं दिखाए बल्कि वो तमाम खित्ते के लोगों के लिए मशाले राह बन रही है। ऐसी ही एक मिसाल बदरवा में उम्मीद स्कीम से जुड़ी महिलाओं ने कायम की है। इन महिलाओं ने अपने इलाके में साबुन बनाने का काम शुरू ही नहीं किया बल्कि उसको कामयाबियों से हमकिनार कर दिया। मेरा नाम नादिया फारूक है, मैं ब्लॉक बदरवा से हूँ। उम्मीद यहाँ पे 2014 में ज्वाइन किया था मैंने उम्मीद में, फिर उसके बाद हमने 7-8 बहनों ने मिलकर सो फैक्ट्री शुरू की। यहाँ से हमें जो भी माल बनाते हैं वो हम अपने ही इलाके में बेचते हैं और वहाँ से हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है।
मैं उम्मीद का शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसा मंच दिया जिससे मैं आगे बढ़ सकी और यहाँ से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। मैं उम्मीद का शुक्रिया करती हूँ। हर काम औरत का काम हो सकता है। जम्मू कश्मीर अनंतनाग में रहने वाली रूबी ने इस बात को सच साबित कर दिया है, जहां उन्होंने फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलकर एक मिसाल पेश की है। औरतों की महदूद सोच को परे परवाज देने वाली ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिन्होंने उम्मीद स्कीम से जुड़कर न सिर्फ मर्दों के पेशे को इख्तियार किया बल्कि उसको कामयाबियों के शिखर तक ले गई। उम्मीद से जुड़ने के बाद और उम्मीद से माली मौनक मिलने के बाद रूबी बानो ने अपने छोटे से गांव में लकड़ी का कारखाना शुरू किया और न सिर्फ इससे अपना रोजगार पैदा किया बल्कि इलाके की बहबूदी के लिए भी मिसाल कायम की। میس گروپس نام اکثر زاس پنداز مز آئی امید سکیم اس جڑے اصل امید سکیم فنڈز آئی ایف سی آئی بینک لکھے مے ہزا دماغس مز ایریا بہ ترا لکھ کر تھا اس میں دماغس مز خیال آیا بہ کری کار اتھ جس میں مدد امید ہے ام نوٹس میں انکم گارس مز کی ہیں گنچ میں آسا بچے رہتا سر بس تو دوسا خرچ بچ چھٹے سبھی قیانوسی تصورات کو توڑتے ہوئے بارہ مولہ جموں کشمیر کی خواتین نے اپنی کاروبار میں دلالوں کو ختم کرنے کے لیے تانبے کے برتنوں کو ڈیزائن اور تیار کرنے کا ایک منصوبہ شروع کیا ہے۔ جموں کشمیر کے سنگپورہ علاقے سے تعلق رکھنے والی امید اسکیم سے جڑی مہیلاؤں نے کچھ الگ کر دکھانے کی ٹھانی اور نتیجے میں انہوں نے تانبے کے برتن بنانے کا کاروبار شروع کیا۔ امید سے جڑی 12 مہیلائیں یہ کاروبار بڑے پیمانے پر چلا رہی ہیں۔ مشنا اسمت مینس گروپ شنا درکن پشی کران یہ ترام کام پشی ترامس کڑا نقش گڈنت اس اس وس سن مطلب کام رٹان سو اس اس دیوان مطلب اگر پلیٹ اس 15 روپے سو اس اس 10 روپے 30 روپے پلیٹ اس دیوان یعنی کہ برابر اس نہ اس دیوان کی تن پتہ یل امید آ اس جڑے گروپ اس سیتن جڑے اسن پتہ آر ایف سی ایف آف تم مز رٹ اس وڑیا پونس تو ان اس پنن ترام تو پت ہوت اس ترام مول بناوان بچ نقشہ کر ترامس پہ کن اس ترام دکان تھی شکر گزار امید والن کن این آر والن این آر ایل ایم والن کن ہمو اس گروپس سے جڑے تو اس یوتا برو پکنک ان کی الگ کارکن کوشش نہ صرف ان کو روزگار کے وسائل پیدا کر رہی ہے بلکہ مہیلاؤں کو آتم نربھر بنانے کے نئے وسائل پیدا کرنے کی تدبیر دے رہی ہے۔ جموں کشمیر میں اکنور خواتین نے گروپ کے دیگر اراکین کو فائدہ مند روزگار فراہم کر کے رائس شیلر یونٹ قائم کیا ہے۔ جی نمسکار، میرا نام نیلم شرما ہے، میں گاؤں گوڑا برامنا سے ہوں اور ہمارا بی او ہے گوڑا برامنا ویسٹ اور میں اپنے بی او میں پریزیڈنٹ ہوں اور میں نے اپنے امید میں سے ایس ایچ جی سے بھی کچھ سے بھی پیسے لیے اور کچھ پیسے میں نے آر ایف سے لیے سی آئی ایف بھی ملا اور اس کے بعد میں نے بینک لنکیج بھی کروایا تو جس سے مجھے تھوڑی مدد ملی تو میں دھیرے دھیرے میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہوئے اپنا چھوٹا سا روزگار کھولا ہے یہ شیلر رائس پلانٹ تو اس سے مجھے تو آرتھک سہایتا ملی ہی ہے لیکن میرے اور بھی بہنوں کو تھوڑا روزگار جو ہے وہ ملا ہے تو میں بہت دھنیہواد کرتی ہوں امید کا اور اپنے بی پی ایم میم کا جنہوں نے ہمیں समय समय पर मदद दी और हम सब नारी जो है नारी शक्ति और सशक्त हो रही हैं तो मैं और भी अपने सभी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि सभी लोग अपने अपने उम्मीद से जुड़ें और लाभ लें। धन्यवाद उम्मीद। معاشی آزادی خواتین کو غربت کے توق سے آزاد کرتی ہے اور انہیں معاشرے کا حصہ دار خود بناتی ہے۔ امید ایک خاموش سماجی انقلاب برپا کرنے کے راستے پر ہے۔ بڈگام کی وحیدہ بانو نے اپنی کہانی سنائی ہے۔ بڈگام کے خان صاحب علاقے میں وحیدہ نامی ایک مہیلا نے امید اسکیم کی سہایتا سے اپنا نام منوایا۔ امید اسکیم کی مدد سے وحیدہ نے خان صاحب علاقے میں پہلا بوٹیک ستھاپت کیا اور اپنا نام پورے ضلع میں روشن کیا۔ اوتانی اس نے اسے تیوتا گزار اس نے اسے گھر کی ہے نا اس اس واریا کم گزار اس نے کیا شکر خدا اس کو کیا شدا 15,000 اس نے کیا آمدنی رہتا سی وان۔ وحیدہ نے کووڈ کی اس مہاماری میں بھی ایس او پیز کا پالن کرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھا۔ وحیدہ نے نہ صرف اپنے بلکہ اپنے پریوار کے خوابوں کو بھی پورا کیا
जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद स्कीम ने वहीदा के ख्वाबों को उड़ान देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की सलाहियत बख्शी। शुक्र गुजार अम उम्मीद स्कीम हूँ क्या अस यूत मदद यूत हेल्प कौर अमो क्या वन कि हूँ अस गुजार तारीफ। नूर, आप कह रही थी ना कि सायमा चाची ने आपको इसी आरएलएम और एनआरएलएम के बारे में बताया था। हाँ, उन्होंने बताया कि एसआरएलएम और एनआरएलएम वह स्कीमें हैं जो हुकूमत ने सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत शुरू की है। हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए देही गरीब खानदान के मुल्क के मरकजी धारे से जोड़ने और इनकी गुरबत को दूर करने की मकसद से शुरू किया है और इसको जहन में रखते हुए वजारत ने आजीविका कौमी देही रोजी रोटी मिशन यानी एनआरएलएम शुरू की थी। नूर, मैं इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ वसीम, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताती हूँ। एसआरएलएम रियासती देही रोजी रोटी मिशन का मकसद गरीबों की जमीनी सतह पर मजबूत इदारों की तामीर और उन्हें फायदा मंद रोजी रोटी मुदाखलतों में शामिल करके रियासत में गुरबत को कम करना है। उसके साथ साथ मुस्तकिल बुनियादों पर उनकी आमदनी में नुमाया बेहतरी को यकीनी बनाना है कि हर गरीब खानदान उन पर अटल यकीन और एतमाद के साथ गुरबत से निकलता है। गरीब अपने और अपने खानदान के बारे में मुस्बत सोचने लगता है, जहां उसने गरीबों की जिंदगी में तब्दीली के सभी इम्कानात को बरुए कार लाया है और अपनी पूरी काबिलियत और सलाहियत को बरुए कार लाया है। हर गरीब को सरकारी स्कीमों के सभी फायदे उसके हक के तौर पर मिलते हैं, जो बिलाखिर उसे इत्मीनान, खुशी और इज्जत से भरपूर जिंदगी गुजारने में मदद देती है। मिशन के बुनियादी अकायद, गरीब अपनी तंजीमों के जरिए ही गुरबत से निकल सकता है। सोशल मोबिलाइजेशन खुद से नहीं होती, सोशल मोबिलाइजेशन को मुतहरिक करने के लिए एनआरएलएम एसआरएलएम जैसे बैरूनी सरशार सपोर्ट ढांचे की जरूरत होती है। गरीबों में आला सतह की कयादत, गरीबों में एक दूसरे की मदद करने का फितरी रुझान होता है। गरीब तरक्की में हिस्सेदार है, फायदा उठाने वाले नहीं। गरीब अच्छे फैसले साज और मनसूबा साज होते हैं। हर गरीब की गुरबत से निकलने की ख्वाहिश होती है। गरीबों में जिंदा रहने की सलाहियतें बहुत ज्यादा होती है। गरीब अपने इर्द गिर्द नासाजगार माहौल की वजह से गुरबत से बाहर नहीं आ सकता। गुरबत में कमी के लिए अहम इकदामात, गरीबों की पहचान, गरीबों को मुनज्जम करना, उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए साजगार माहौल बनाना, सही रास्ता दिखाना, माश का रास्ता दिखाना, समाजी बेदारी, गरीबों और फलाही स्कीमों के इर्द गिर्द हफाजी जाल को उनके हकदारों में तब्दील करना, एनआरएलएम दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौमी देही रोजी रोटी मिशन देही तरक्की की वजारत की तरफ से शुरू की गई एक अहम स्कीम है, जिसका मकसद गरीबों के लिए पायदार कम्युनिटी इदारों का कायम और उसके जरिए गुरबत का खात्मा और देहातों के लिए माश के मुख्तलिफ जराए को फरोग देना है। यह मरकजी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रियासतों के तआवुन से नाफिज किया गया है, जिसे साल 2011 में लॉन्च किया गया था। कम्युनिटी इदारे की इमारत,
माली साल 2017-18 के दौरान मुल्क भर में 6.56 लाख SHG के जरिए 82 लाख खानदानों को जोड़ा गया। इस प्रोग्राम के जरिए 4.75 करोड़ खवातीन को 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए जोड़ा गया था। माली शमूलियत के हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर मिशन SHG को बैंक क्रेडिट फराहम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, महकमे मालियाती खिदमात और इंडियन बैंक्स फेडरेशन के साथ मिलकर काम करता है। दूर दराज इलाकों में माली खिदमात मिशन ने आखिरी मेल तक माली खिदमात दस्तियाब कराने में भी नुमाया कामयाबी हासिल की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के 1518 अराकीन को बैंक एजेंट के तौर पर काम करने का मौका दिया गया है। सूद की अदायगी में माली मदद। दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौमी देही रोजी रोटी मिशन खवातीन के खुद मदद ग्रुपों की सूद की अदायगी में माली मदद फराहम करता है। इससे कर्ज की सूद की अदायगी 7% सालाना हो जाती है। उसके अलावा 250 इजला में कर्ज की बरवक्त अदायगी की सूरत में सूद में 3% की इजाफी कमी दी जाती है। खवातीन किसानों को बाइख्तियार बनाने का मंसूबा और वैल्यू एडिशन चैन। ज़रई माहौलियाती सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने के लिए मिशन ने महिला किसान सशक्तिकरण प्रोजेक्ट नाफिज किया है, जिससे खवातीन किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और काश्तकारी की लागत और खतरात में कमी आएगी। इस स्कीम के तहत 33 लाख खवातीन किसानों को मदद फराहम की गई है। ज़राअत, बागबानी, डेयरी, माहीगीरी, जंगलाती पैदावार वगैरह को वैल्यू एडिशन सरगर्मियों के तहत शामिल किया गया है। छोटे और पसमानदा किसानों की तरफ से उगाए जाने वाली फसलें जैसे मकई, आम, फ्लोर, डेयरी वगैरह को वैल्यू एडिशन की सरगर्मियों में शामिल किया गया है। कम्युनिटी जरिए माश। मिशन का एक अहम मकसद कम्युनिटी पर मबनी अमल दरामद है। उसके लिए कम्युनिटी के 1.72 लाख अफराद को तरबियत दी गई है, ताकि वो कम्युनिटी इदारों को मदद फराहम कर सके, तरबियती प्रोग्राम, लेन देन से बाखबर रहने, सलाहियत की तामीर, माहौलियाती खिदमात की फराहमी वगैरह जैसे सरगर्मियों का अहाता करता है। इसमें कृषि सखी, पशु सखी जैसे 22,000 कम्युनिटी लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन शामिल है, जो 24 घंटे सर्विस फराहम करते हैं। स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस स्कीम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौमी देही रोजी रोटी मिशन गैर जरिए जरिए माश की हिकमत अमली के तहत स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना को नाफिज कर रहा है। मकामी सतह पर कारोबारी इदारों को कायम करने में देही सनअतकारों की मदद करना है। इस स्कीम के तहत 17 रियासतों में तकरीबन 16,600 कारोबारी इदारों की मदद की गई है। इससे 40,000 लोगों को रोजगार मिला है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना अगस्त 2017 में शुरू की गई थी। इसका मकसद दूर दराज के देहातों को देही ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ना है। मार्च 2018 तक 17 रियासतों की तजावीज को मंजूरी दी गई है और 288 गाड़ियां चल रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौमी देही रोजी रोटी मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की एक जेली स्कीम है। इस जेली स्कीम का मकसद देही नौजवानों को तरबियत फराहम करना और उन्हें ज्यादा मुआवजा पर रोजगार फराहम करना है। देही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मिशन ने देही नौजवानों को तरबियत फराहम करने के लिए 31 बैंकों और रियासती हुकूमतों के साथ मुआहिदा किया है। इसके तहत देही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट को मदद फराहम की जा रही है। इस वक्त मिशन 586 ऐसे इदारों की मदद कर रही है।
यौम एनआरएलएम का आजादाना जायजा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद यौम एनआरएलएम के डिजाइनिंग हुकमत अमली और असर के आजादाना तशखीस की जिम्मेदारी दी गई थी। इस मुताले के एक हिस्से के तौर पर जनवरी और मार्च 2017 के दरमियान किए गए सर्वे में 746 देहात के तकरीबन 4,500 घरानों को शामिल किया गया है। माली साल 2018-19 के लिए मिशन की अहम तरजीहात, मिशन की तौसीह, जरिए माश का फरोग, गैर जरिए जरिए माश को फरोग देना, ग्रामीण हाट का कयाम। माली साल 2018-19 के दौरान मुल्क भर में 4,567 ग्रामीण हाट कायम करने का मंसूबा है। देही गरीबों की रस्मी मालियाती इदारों तक रसाई को यकीनी बनाना। माली साल 2018-19 के दौरान 22 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को 42,500 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज फराहम करने का मंसूबा था। देही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेल्फ हेल्प ग्रुप खवातीन को बाएख्तियार बनाने का जरिया बन चुके हैं। खास तौर पर देही इलाकों में खवातीन को बाएख्तियार और माली तौर पर खुशहाली बनाने का ये एक मुयस्सर जरिया है। कई इमदादी ग्रुपों की खवातीन ने गुड फार्मिंग का कारोबार शुरू कर दिया है। ये खवातीन अपनी बेकरियों को ATM कार्ड कहते हैं। कर्ज की सहूलियात की दस्तियाबी के बावजूद बड़े दूध दार जानवरों जैसे गाय भैंस वगैरह खरीदने की सलाहियत नहीं रखते। इस तरह ग्रुप एक बकरा 4,000 से 5,000 रुपए और बकरा तकरीबन 1,000 रुपए में खरीदते हैं। वाह नूर, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है जो वजीर आजम ने शुरू की है ना? हाँ वसीम, और कई खवातीन भी इस स्कीम से फायदा उठा रही है। हाँ, हुकूमत ने सभी के लिए स्कीम नाफिज की है। हर ग्रुप से एक पुकार, आपकी तरक्की, आपका रोजगार।